प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी गिर रहा है और निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो रफली 0.4-0.5% के आसपास गिरा जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का, जबकि मिड कैप का गिरावट देखेंगे तो वो अबाउट 1.5% से गिरा है और स्मॉल कैप भी अबाउट 0.5-0.6 के आसपास गिरा हुआ है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये जो गिरावट आ रहा है वो इंडियन फैक्टर्स के कारण आ रहा है, क्या इंडिया एज ए इकोनॉमी कुछ प्रॉब्लम है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ये गिरावट आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के वैल्यूएशंस में क्या लगता है, अगर यहाँ से और गिरावट आता है तो कहाँ पर गिरावट ज़्यादा आएगा, कहाँ पर गिरावट कम आएगा। साथ ही हम जानेंगे कि फिलहाल क्या इंडियन स्टॉक मार्केट्स ही गिर रहे हैं या फिर वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स गिर रहे हैं, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर किसी को फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे आइडियली लोकेशन हमें ज़्यादा रखना चाहिए, कहाँ पे लोकेशन कम रखना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स नहीं गिर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं। US के मार्केट्स गिर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स गिर रहे हैं, एशिया के भी ज़्यादातर मार्केट्स गिर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स ही गिर रहे हैं। क्यों गिर रहा है तो देखिए, गिरने के दो मेन रीजंस हैं, टू मेन रीजंस। नंबर वन है जो कि लेटेस्ट भी है, वो है इसराइल और हमास के बीच जो इश्यूज स्टार्ट हुए हैं उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो ब्रेंट क्रूड का अगर आप लेटेस्ट प्राइस देखें तो 93 से भी ज़्यादा जा चुका है, $93 पर बैरल। और अगर ये इशू और एस्केलेट होता है तो ऑफकोर्स ये 95 और 100 भी टच करेगा, 100 भी क्रॉस करेगा। सो लेट्स सी, ये डिपेंड करेगा कि ये जो वॉर चल रहा है वो कितना एस्केलेट करता है। देखिए इसराइल के एंड से तो जो भी कंट्रीज़ को सपोर्ट करना था ऑलरेडी वो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, वो US हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो, खुलेआम वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमास की तरफ से देखना होगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ खुलेआम सपोर्ट करने पहुँचते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ कंट्रीज़ का सपोर्ट आता है जो कि मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से आएगा, तो अगर वो सपोर्ट ज़्यादा बढ़ता है तो ऑफकोर्स ये इशू ज़्यादा एस्केलेट करने जा रहा है, और अगर एस्केलेट करता है तो यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट फिलहाल गिर रहा है यहाँ से और भी ज़्यादा गिरेगा। सेकंड मेजर रीज़न है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो इंटरेस्ट रेट चेक करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के, रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के जो 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड होता है वो आप चेक कर लें, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर आप US का 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड देखेंगे तो फिलहाल वो 4.93% के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ये 5% ऑलमोस्ट टच करने वाला है, और कुछ दिनों पहले वो 5% टच भी हुआ था। और कोविड के समय अगर आप देखें, जबकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम किया गया था वर्ल्ड वाइड और US में भी, तो US में उस समय इंटरेस्ट रेट था 0.5% के आसपास, तो 10 ईयर जीसेक का यील्ड, तो 10 ईयर जीसेक का यील्ड US में 0.5% से 3 ईयर्स में 5% के आसपास चला गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा है। अगर किसी ने किसी तरह का लोन लिया होगा, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज़ ने सर्टली लोन लिया होगा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसी तरह से इंडिविजुअल्स ने लोन लिया होगा, तो उस समय सपोज़ लोन 1-2% पे लिया होगा, 1-2% पे, और अब उसी लोन का जो प्राइसिंग है वो 5-6% के आसपास हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं डिफ़ॉल्ट्स कितने आएंगे। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट्स आना शुरू हो गए हैं US में, लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, तो ओवरऑल US इकोनॉमी में इसके कारण प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि सिर्फ US में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है। दूसरे इकोनॉमीज़ का भी अगर आप 10 ईयर जीसेक देखें, तो कनाडा का देखें तो 4.24 के आसपास चला गया है। ब्राज़ील का देखें 11.94% है 10 ईयर का यील्ड वहाँ पे। जर्मनी देखिए 2.91%, जो कि जर्मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। फ्रांस में है 3.5%, UK का 10 ईयर है 4.74%, वहाँ भी 5% के आसपास पहुँच रहा है। इटली का भी देखें तो 4.95% है, ऑस्ट्रेलिया में भी 4.74% है। तो वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं 10 ईयर के, तो वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। और जो हमने अभी डिस्कस किया डिफ़ॉल्ट्स, ये देखिए सभी जगह होंगे आने वाले समय में, बिल्कुल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखना है कि मेजर डिफ़ॉल्ट ना हो।
अगर यूएस में कोई बड़ी कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो वहाँ पे ऑफकोर्स उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। यूएस में ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे दो मेजर इशू जो कि फ़िलहाल हमारे सामने हैं, फर्स्ट है क्रूड ऑयल और सेकेंड है ये जो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो इन दोनों ही कारणों से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी करेक्शन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है। यहाँ पे अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो ऑफकोर्स रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। ये जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर जाने लगा, ऑफकोर्स ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ अभी हमारा इकोनॉमी एटलीस्ट इतना स्ट्रांग हो गया है कि 1995 का ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है काफ़ी हद तक हम इसे बेयर कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये जब 100 क्रॉस कर जाएगा तो हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहाँ मूव होते हैं। इंटरेस्ट रेट इंडिया में ऑफकोर्स बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे लिए कोई मेजर कंसर्न होना चाहिए। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा कि फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो हो रहा है क्यों हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इसे आप ध्यान से समझ लें। देखिए ब्रेंट क्रूड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, यूएस 10 ईयर का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। हाँ यहाँ पे मैंने गोल्ड मेंशन नहीं किया है, गोल्ड का प्राइस काफ़ी अच्छा चल रहा है जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आने वाले नियर फ्यूचर में भी एटलीस्ट लगता है कि गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा जब तक ये जो हमास और इसराइल का प्रॉब्लम चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए अगर आप पी रेशियो देखें तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50, मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी रेशियो दिया है डिफरेंट डेट्स पे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट करेक्शन जब हुआ था कोविड के समय 2020 मार्च में, उस समय देखिए वैल्यूएशंस निफ्टी 50 का 18 से भी कम था जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन था। मिड कैप 150 का भी देखिए 18.5 के आसपास है, तो बहुत कम वैल्यूएशंस था जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन अब देखिए जब स्टॉक मार्केट उसके पोस्ट करेक्शन के बाद जब मार्केट में रैली आया था उस समय देखिए वैल्यूएशंस निफ्टी 50, मिड कैप और स्मॉल कैप कितना ज़्यादा वैल्यूएशंस हो गया था, बिल्कुल रेड जोन, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड। उसके बाद देखिए FIIs का पैसा स्टार्ट हुआ इंडिया में आना, इस साल अगर आप देखें तो मार्च से अगस्त तक अबाउट 1.74 लाख करोड़ का पैसा आया FIIs का। तो मार्च जब स्टार्ट में देखें जब FIIs का पैसा आना शुरू नहीं हुआ था तो वहाँ पे देखिए वैल्यूएशंस उस समय निफ्टी 50 का वैल्यूएशन ठीक ठाक था, मतलब बहुत स्लाइटली ओवर वैल्यूड था। मिड कैप उस समय भी ओवर वैल्यूड था और निफ्टी स्मॉल कैप तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन था इन्वेस्टमेंट के 18 से भी नीचे का। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें लेटेस्ट वन 19 अक्टूबर 2023, तो निफ्टी 50 ऑफकोर्स अभी थोड़ा गिरा है, इसलिए नहीं तो ये 22.5 के आसपास चल रहा था पी निफ्टी 50 का। फिलहाल ये ट्रेलिंग पी है सारा, तो 22 के भी नीचे आ चुका है, तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, अभी भी ये ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अंडर वैल्यूड हो गया है। जब ये 20 से नीचे आएगा तो वैल्यूएशन ठीक ठाक माना जाएगा, तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का देखिए ये है मेजर कंसर्न हमारे लिए। मिड कैप 26 से भी ज़्यादा है पी और स्मॉल कैप भी 25 के आसपास है। यहाँ पर आप ध्यान देखिए अगर स्टॉक मार्केट यहाँ से और गिरता है तो बिल्कुल लार्ज कैप भी गिरेगा लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेगा। इसीलिए मैंने आज आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखा तो अबाउट 0.4% के आसपास गिरा हुआ है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 को अगर आप देखें तो 1.6% के आसपास गिरा हुआ था, स्मॉल कैप भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट, अगर यहाँ से मार्केट में गिरावट आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। अभी हमने जो डिटेल्स चेक किया है मोस्टली आपको उससे पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड क्यों गिर रहे हैं, और साथ ही यहाँ से और ज़्यादा क्यों गिर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी लार्ज कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो ऑफकोर्स लार्ज कैप भी गिरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिरेगा और इनफैक्ट मिड कैप का वैल्यूएशन तो स्मॉल कैप से भी ज़्यादा है। तो मिड कैप के स्टॉक्स में शायद जो करेक्शंस हैं या गिरावट है वो और ज़्यादा आएगा। फिलहाल जिस तरह के मार्केट कंडीशंस चल रहे हैं वहाँ पे देखिए अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, रिस्क प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन, मार्केट कैप एलोकेशन, एसेट एलोकेशन सब कुछ ध्यान में रख के अच्छे स्टॉक्स या अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया तो देखिए उसके लिए तो कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अप डाउन चलता रहता है, ये कई बार ऊपर जाएगा कई बार नीचे जाएगा, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट आइडली हमें नहीं करना चाहिए इसको लेकर। लेकिन वैसे इन्वेस्टर और इस तरह के वैसे इन्वेस्टर जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में कर रहे हैं, आजकल आपको ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे,
तो उन इन्वेस्टर्स को ऑफकोर्स ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ से अगर मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो जाएगा। और आप ये ध्यान में रखें कि वो कम होगा तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है वापस आने में, और अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है तो कई बार ऐसा होगा कि शायद वो वापस भी नहीं आए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, और तभी अगर पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो अच्छा होगा कि अभी कर लें, क्योंकि एक बार मार्केट गिर जाएगा उसके बाद हो सकता है कि आपको ये मौका नहीं मिले। बट हाँ, जिसने सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके लिए तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, अप डाउन लगा रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो शाम में 7:30 to 8:30 PM यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा। आपके अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।